अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए फिशेस की एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो फिश एक्वेरियम जोन पे हम आए हैं इस वक्त, तो आपको वैरायटी वगैरह दिखाते हैं। इनकी शॉप पे हम पहले भी आ चुके हैं, तो पिछली वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो न्यू स्टॉक आया था तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप आगे चल के आपको मछलियों की कीमत और उनके फर्दर डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इसकी फ़िश का जो है नाम, प्राइस और फर्दर डिटेल के बारे में आप बताएं हमारे व्यूवर्स को। ये तो पहले लाइन ऐड है, ब्लैक और अंडा इसको कहते हैं, गोल्ड फिश से 2000 का ये पीस है। अच्छा जी, और बाकी ये जो है शपंकिंग गोल्ड फिश, इनको कहते हैं कॉमेट भी कहते हैं सर। सही। तो ये माशाल्लाह अभी ये अडल्ट पीस है, ब्रीडिंग पे करीब है ये, ब्रीड करने की ये पेयर बिल्कुल तैयार है। ये वाला पेयर ये जो कट है एग्जैक्टली यही है, हाई फिनिश पंकिन है, ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पीछे मेरे पास शक्कर भी है, काफ़ी ज़्यादा पीछे छुपी हुई है। सफाई वाली फिश होती है, ये शीशा साफ करती रहती है। अच्छा, शक्कर इसका काम ही ये होता है कि एलजी वगैरह खाना जाना। सही। तो अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ कौन कौन सी फिशेज हैं। ये ब्लू लैंड शार्क है, ये 1500 का पेयर है। ये छोटी कॉमेट्स हैं, टिन फॉइल बार का ये 2000 का पेयर है। ये साइज बड़ा इसका, इस दफा अच्छा रेड है, टिन फुल बार पे। सही। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव फिशेज हैं और कलरफुल भी हैं। तो बाकी जिसको चाहिए होगी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट फिश की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये एंजल फिश है, मार्बल एंजल्स हैं, 1500 का पेयर है और अडल्ट पीस है ये। साइज भी इनका इस दफा अच्छा है। और पीछे जो है वो टाइगर बार्ब्स हैं, ये मछलियाँ ज़रा कॉलोनीज में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं। 450 का पेयर है, छोटी मछलियों के साथ इजीली आप इनको रख सकते हैं। सही। तो ये जो एंजल फिश आपने बताई है, तो ये इसके फिन ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर वगैरह ये हाई फिन है ये। अच्छा, हाई फिन है और अडल्ट पीस है माशाल्लाह। बाहर शॉर्ट फिश भी आती हैं, हाई फिन भी आती है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट फिश देखी नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये कौन सी फिश है। इसमें कलर डैन्यूज हैं, गप्पिस फिश है, मिक्स वैरायटी पड़ी है। तो इनकी प्राइस क्या है, 300 का पेयर है, सारों में कोई भी ब्रीड मतलब के 20 ले लो। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्या है, फ्लोरोसेंट टैटर है, ये येलो कलर है, पिंक है, ऑरेंज है, ग्रीन है, सारे कलर में अवेलेबल है। 450 का पेयर है, कोई भी ले लें। पिंक वाली जो है वो 600 का पेयर है। सही। पिंक वाली 450 का, पिंक वाली 600 का पेयर, और कोई भी ले लें 450 का। तो ये जो क्या है, ये एप्पल स्नेल्स हैं। सही। ये शीशे में एलजी वगैरह खाते रहते हैं, जरा स्नेल का जिनको शौक होता है वो ये चीज़ें ले जाते हैं। सही, मतलब सफाई होती रहती है अंदर की। सही। तो ये कितने का है वैसे, एप्पल स्नेल 1000 का पेयर है। अच्छा, तो ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये छोटी सी जो है गोल्ड फिश है, छोटे साइज की गोल्ड फिश पड़ी हुई है मेरे पास, ये 600 का पेयर है। 600 का पेयर ही है। एग्जैक्टली सर। सही। तो ये साथ ये कोईज हैं छोटी, 400 का पेयर है ये। और ये साथ भी वही है, साइज छोटा है, तो ये 800 का पेयर है। सही हो गया। तो ये कौन सी ब्रीड है, ये पैरेट फिश है, ये येलो पैरेट है, वाइट पैरेट है, 2500 का पेयर है। ये टाइगर स्कैट है, 2000 का पेयर है ये। इसके पीछे एक फ्लावर हॉर्न भी है पीछे छुपा हुआ, इस वक्त को सामने, हाँ वो इस वक्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल पत्थरों के नीचे छुपा हुआ है, ये आ गया भाई। 5000 का पीस है ये। 5000 का पीस। सही। तो ये अग्रेसिव मछलियाँ जो होती हैं गोश्त और फैमिली, उनके साथ एडजस्ट करेंगे। अच्छा, तो ये जो दिखाई हैं अभी, ये क्या गोश्त हो रहा है, ये क्या है, गोश्त और मछलियाँ ज़रा उनके साथ ही है। तो इनको वैसे क्या खिलाना चाहिए, ये आम गोश्त ही होती है इनकी, गोश्त वगैरह तो खा लेती हैं लेकिन पानी कलौटी करते हैं वो। सही। रिकमेंड नहीं करते कि डाले आप। सही। तो ये इस साथ जो उनसे, ये इसमें छोटी टिन फुल बार पड़ी हुई है, बड़े साइज की कोई पड़ी हुई है। 2000 का पेयर है। 2000 का पेयर, ठीक हो गया। और ये नीचे ये कौन सी है, इसमें भी मिक्स वैरायटी पड़ी हुई है। ये जो व्हाइट कलर की है, ये कौन सी ब्रीड है, ब्लू कलर की है, ब्लू रैम सिकलेट, इसको रैम रेजी बोलते हैं। तो
अच्छा। पीछे येलो कलर की हैं, ब्लैक डॉट की वो सेफ्री टेट्रा है। सही। और पीछे जो मजीज हैं वो रेड आई टेट्राज हैं, ये फैंसी गप्पीज हैं। ब्लैक न्यून टेट्रा है और न्यून टेट्रा भी हैं, ये ग्लो करती हैं पानी में। चार पाँच किस्म की इसमें स्पीसीज हैं। तो ये कितने का? सबकी डिफरेंट प्राइस है। ब्लू रैम जो है 1500 का पेयर है, सेफ्री टेट्रा जो है वो 450 का पेयर है, रेड आई टेट्रा भी 450 का पेयर है। सही। न्यून टेट्रा जो है 300 का पेयर है, ब्लैक न्यून जो है वो भी 300 का पेयर है, गप्पी जो है वो 450 का पेयर है, फैंसी गप्पी से। ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट कौन सी है? ये पॉलीज हैं, ये सारी 450 का पेयर है, ये दफा ये साइज भी अच्छा है, ये सही ब्रीडिंग पेयर है, बहुत ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं। इनकी ब्रीडिंग वैसे शुरू हो गई भी है? जी जी बिल्कुल। सही। बहुत अच्छे थे। तो इसकी प्राइस क्या बताइए आपने? 250 का पेयर है। 250 का पेयर है, सही हो गया। तो ये नेक्स्ट कौन सी है? कैलिको गोल्ड फिश है, ये कैलिको गोल्ड फिश 1500 का पेयर है। सही। ठीक हो गया। ये नीचे कौन सी है? ये नीचे रेड कैप लाइन है, 4000 का पेयर है। 4000 का पेयर, ठीक हो गया। और डायमंड कोई है 2000 का पेयर है। सही, 2000 का पेयर है डायमंड कोई का। जी ठीक हो गया। तो ये आगे कौन सी है? इसमें भी तीन चार किस्म की स्पीसीज है, ब्लैक मोर है, रैम्बो शार्क है, एल्बिनो शार्क है, ब्लू ग्रामी है, सक्कर है, सबकी डिफरेंट प्राइस है। ब्लैक मोर छोटा जो है वो 800 का पेयर है। सही। ब्लू ग्रामी जो है 450 का पेयर है, रैम्बो शार्क जो है वो भी 450 का पेयर है, एल्बिनो शार्क भी 450 का पेयर। सही हो गया। तो ये नेक्स्ट कौन सी है? ये रेड डेवल्स हैं, ये 1200 का पेयर है। 1200 का पेयर जी। और ये कैटफिश भी एक फिर रही है, इसके अंदर एल्बिनो कैटफिश है जी। ये 1000 का पीस मिल जाएगा। 1000 का पीस, ठीक हो गया। ये अच्छा, तो यहाँ पे भी कुछ फिशेज पड़ी हुई हैं, तो इसके बारे में बताएं कुछ। ये बीटा फिश है, ये टाइटर फिश भी इसको बोलते हैं। सही। 600 की एज है। अच्छा, तो मेल है ना? सारे सारे मेल जी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज करके। तो सही, 600 का कोई भी पीस ले सकते हैं। तो अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? ये चेरी श्रिम्स हैं। ये सही, प्लांटेशन पेरी में आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, और ये ब्रीड कर रहे हैं, इसको अंडे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, ब्रीडर पे हैं। अच्छा, नेक्स्ट में येलो रेड कलर है बस। एग्जैक्टली। सही। तो इसकी क्या प्राइस है? 500 का पेयर है। 500 का पेयर, सही हो गया। तो आप एक्वेरियम भी बनाते हैं? जी जी बिल्कुल, हर तरह का कस्टमाइज एक्वेरियम जो है वो। सही। तो ये जो एक्वेरियम है, ये इसके फुल सेटअप के साथ ही कितने तक? 12000 का मिलेगा। अच्छा, तो इसके साथ ये वाला जो है 2 फुट का एक्वेरियम है, ये तकरीबन 10000 है। 2 फुट का एक्वेरियम 10000 का, सारे मतलब के बॉक्स के साथ। और इसके साथ वाला 1.5 फुट का एक्वेरियम है, ये 8000 रुपये का। ये 8000 का आपको मिल जाएगा। और ये नेक्स्ट कौन सा? 1 फुट का एक्वेरियम है, ये तकरीबन 6000 का मिल जाएगा। 6000 का ये मिल जाएगा। 3 फुट का एक्वेरियम, ये मुकम्मल सेटअप जो है ये आपको 20000 का मिलेगा। 20000 का ये मुकम्मल सेटअप मिलेगा। और फीड कितने कितने तक की होगी? सबकी डिफरेंट प्राइस है, ये 1000 का पैकेट है, 500 का पैकेट। ये वाला? ये 1000 का पैकेट है। सही। और मीट फिशेस के लिए होती है ज़रा, थोड़ा सा इसके पैलेट्स मोटे होते हैं, 500 का पैकेट है। ये भी 500 पैकेट है। ये 450 का है। सही। ये 500 का है। ये 300 का है। सही हो गया। तो आपके पास मतलब कि फूड की सारी वैरायटी पड़ी हुई ऑलमोस्ट। सही हो गया। अच्छा, तो ये छोटे से जो है बास्केट टाइप है एक्वेरियम, ये बीटा फिश ये की? अच्छा, तो ये प्लास्टिक है या शीशे? प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक है। तो फाइटर फिश बीटा फिश के लिए ये है। इसकी क्या प्राइस है? 500 की। 500 की है। और अगर कोई भाई डिलीवरी चाहे, ऑल ओवर पाकिस्तान है या नॉर्मल? बिल्कुल, देखेंगे पॉसिबिलिटी हुई तो टाइम की नवीयत के अकॉर्डिंगली कर रहे। सही। तो वो आप डिलीवरी की जो डिटेल है वो इनसे आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।